नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अंशिका डिजाइनर। आज मैं आपको उसका ड्रीम मेकर 120 का डेमो दिखाऊंगी। तो लास्ट टाइम जो मैं वीडियो छोड़ी थी उसमें बस उसका ड्रीम मेकर 120 का फुट कंट्रोलर का वीडियो था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको उधर ही मिल जाएगा। और आज मैं जो आपको उसका ड्रीम मेकर 120 का फुल डेमो देने वाली हूँ, इसमें आपको उसे ड्रीम मेकर में कितना सारे पार्ट्स रहते हैं, उसका मतलब उसको कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग जो है इसका डेमो जो है शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और जो लोग वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट कर दीजिए कि आपके वीडियो में ये चीज कमी है, तो मैं जरूर उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अभी मैं जो है वीडियो को शुरू करती हूँ। ये है उषा ड्रीम मेकर 120। तो आप जब भी मशीन परचेस करते हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही मशीन मिलेगा। इसके साथ आपको एक एक्सटेंशन टेबल मिलेगा। तो अभी देखिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, इसमें एक जिगजैग फुट है जो कि आपको मशीन के साथ ही अटैच मिलेगा। तो जिगजैग फुट को मिला के आपको 8 फुट मिलते हैं इस मशीन में, तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको बस यही दिखाने वाली हूँ, इसमें जितना भी सारे फंक्शन है उसको कैसे ऑपरेट करना होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी देखिए ये जो है एसेसरीज बॉक्स है, इसको आप ओपन करके कुछ भी इसमें रख सकते हैं एसेसरीज। और इसके साथ ही यहाँ पर आप जो एक्सटेंशन टेबल है इसको अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें अटैच करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बॉबिन भरना दिखाऊंगी। ए हुक कवर, इसको हुक कवर बोलते हैं। ए हुक कवर रिलीज बटन होता है, तो इसको अगर राइट साइड में हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे राइट साइड की तरफ तो ये ओपन हो जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग को बॉबिन भरना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्रेड कैसे दे के बॉबिन भरेंगे वो दिखाऊंगी, उसके बाद जो बाकी फंक्शन है वो दिखाऊंगी। ब्लू कलर का थ्रेड ली हूँ, स्पून होल्डर है। तो अभी जो स्पून को है स्पून पिन में लगाना है, उसके बाद स्पून होल्डर को इसमें लगाना है। आप जब मशीन परचेस करेंगे तो ऐसे आपको दो स्मॉल साइज का स्पून होल्डर मिलेगा और दो लार्ज साइज के मिलते हैं। तो अभी देखिए ये सिक्योर हो गया है, अब पर थ्रेड गाइड है। तो अभी हम लोग को जो थ्रेड है इसमें ऐसे लगाना है, इसमें आपको डायग्राम भी ऊपर में मिल जाएगा। इसके बाद आप बॉबिन में देख सकते हैं होल होता है, तो एक होल में हम लोग को इसको ऐसे डालना है। ये हो गया है, अभी ये विंडर स्पिंडल है तो इसको स्पिंडल भी बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर बॉबिन को आपको ऐसे रख के प्रेस करना है नीचे की तरफ। फिर ये जो विंडर स्टपर है बॉबिन को राइट साइड की तरफ हम लोग पुश करेंगे। सॉरी, ये देखिए अभी ये आ गया है इस तरफ राइट साइड में। तो पावर ऑन करेंगे, तो मैं पहले से पावर केबल को अटैच करके रखी हूँ, तो मैं इसमें पावर ऑन की हूँ। अभी आप देख लीजिए इसमें आपको बॉबिन दिखेगा, जो एलसीडी डिस्प्ले है इसमें आपको बॉबिन का सिंबल दिख रहा है। तो अभी इधर नीचे में देखिए जो स्टार्ट स्टॉप बटन है, मैं उसी से ही आपको शुरू करके दिखाऊंगी। तो स्टॉप बटन प्रेस करके आपको स्टॉप कर देना है, फिर इसको कटिंग करेंगे। अभी ऐसे अंदर में पहले रखना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें एक हॉर्न जैसे आपको नजर आएगा।
इसमें रखना है थ्रेड को, फिर आगे की तरफ ऐसे ले जाना है। तो बराबर आपका जो थ्रेड होगा वो बाहर की तरफ ही रहेगा। उसके बाद जो हुक कवर है उसको हम लोग लगाएंगे। तो इसमें देखिए जैसा है कवर को लगाने के लिए, उसको आगे की तरफ रख के पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। तो अभी इस थ्रेड को नीचे की तरफ डालेंगे, तो जैसे डायरेक्शन है बिल्कुल ऐसे ही थ्रेड को डालना है। फिर मैं इसको सीधे में नीचे में डालूंगी। यहाँ पर कर्व है तो मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। फिर इसमें थ्रेड टेकअप डिवर में इसको डालना है थ्रेड को, इसके बाद नीचे की तरफ डालेंगे। तो किसी किसी को मशीन में सुई में जैसे थ्रेड डालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसमें इसने नीडिल थ्रेडर है जो लेफ्ट साइड में मेरा व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ए नीडिल थ्रेडर है। तो इसके इसको हम लोग नीचे लाएंगे। तो उससे पहले जो नीडिल है वो हम लोग का ऊपर में रहना चाहिए, जितना भी उसका हाइस्ट पॉइंट है अपर में। तो अभी मैं जो नीडिल अप डाउन बटन है उसको प्रेस करूंगी। ये डाउन हो गया है, अप हो गया अभी, और जो प्रेशर फुट होगा वो नीचे का तरफ। इसके बाद जो नीडिल थ्रेडर है उसको नीचे का तरफ डालेंगे। हो गया है। थ्रेड को इस तरफ से लगाना है। ऐसे उसका शेप रहेगा। इसके बाद इसको हल्का सा ऊपर खींच लेना है, तो थ्रेड जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। इसके बाद हम लोग को थ्रेड को पीछे की तरफ ही ले जाना है। ये हो गया है। तो अभी मैं जो नीचे का बॉबिन का थ्रेड है उसको भी ऊपर डालूंगी। अभी मैं आपको जो इसमें जो फंक्शन है वो सब करके दिखाऊंगी स्टिचिंग के साथ। तो उससे पहले आपको देख लेना है इसमें जो यहाँ पर नंबर होगा ये है थ्रेड टेंशन। तो इसका जो नंबर हो वो 4 में रखना है आपको। जैसे एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न के साथ भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और आपको जो आपको अगर मशीन परचेस करेंगे तो इसमें बुक में आपको मिल जाएगा। ये पीछे में जो आपको दिखेगा ये प्रेशर फुट का जो प्रेशर डायल है। तो आपको जैसे ये प्रेशर फुट कितना लूज या टाइट चाहिए उस हिसाब से होता है। तो ये मैं 5 में रखी हूँ। तो अभी मैं इसमें आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी और इसके साथ साथ ही इसमें जो भी फंक्शन है मैं और आपको बताते जाऊंगी। अभी ये देखिए ये है स्पीड कंट्रोलर। इसमें हम लोग स्पीड ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये आपको प्ले बटन जैसे दिखेगा। एक ट्विन नीडिल फंक्शन है, इसमें हम लोग ट्विन नीडिल का फंक्शन ये आप देख सकते हैं। ये ट्विन नीडिल फंक्शन, ये ऑटो थ्रेड कटर है, थ्रेड कटर का बटन है और एक भी थ्रेड कटर है इस साइड में, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये नीडिल अप डाउन बटन है, ये ऑटो लॉक बटन है, ये रिवर्स बटन है, स्टार्ट स्टॉप बटन, तो ये टच पैनल है आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर में है ये जो हम लोग का स्टिच का विड्थ है और स्टिच लेंथ है नीचे का, तो इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और स्टिच विड्थ का जब बढ़ाते हैं तो उसका काम यही होता है कि नीडिल का जो पोजीशन होता है ड्रॉपिंग पोजीशन वो चेंज होता है। अगर आप इसमें नॉर्मल स्टिच कर रहे हैं तो इसमें आप हमेशा जो स्टिच विड्थ होता है वो 3.5 में रखिए। तो इसमें जो नीडिल होगा आपको मिडिल में ही मिलेगा और एम्ब्रॉयडरी के टाइम पे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। और
और नीचे में जो स्टिच लेंथ है वो भी 3.5 में रखेंगे, तो ज्यादा छोटा छोटा स्टिच नहीं आएंगे। तो अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। स्टॉप हो गया है। अभी थ्रेड कटर बटन का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो थ्रेड होता है स्टिचिंग के बाद में निकल रहा है। अभी फिर से मैं स्टिचिंग शुरू करूंगी। तो अभी आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीडल अप डाउन बटन है वो मैं पहले भी आपको दिखाई हूँ, अभी और एक बार दिखाते हुए डाउन हो गया है। इसके बाद मैं स्टिचिंग शुरू करूंगी और अभी मैं स्टॉप बटन और रिवर्स बटन का दिखाऊंगी। ये ऑटो डॉकिंग बटन होता है तो वहीं पर और डॉक कर देता है 3-4 टाइम, मतलब ऐसे प्रेस करके। इसके बाद फिर से हम लोग स्टिचिंग शुरू कर सकते हैं। ये रिवर्स बटन है, ये जैसे ही रिवर्स करेंगे जितना देर तक इसको प्रेस करके रखेंगे ऐसे ही और रिवर्स आगे पीछे होता रहेगा। तो अभी देखिए मैं और एक थ्रेड कटर आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए पहले हम लोग को थ्रेड को ऐसे निकालना है। ये देखिए इस साइड में एक व्हाइट कलर का कटर जैसा है, तो ये जो थ्रेड को अगर हम लोग ऐसे करके देते हैं ये कट गया, तो ऐसे भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं। अभी जो टच पैनल है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टिच का विड्थ बढ़ेगा, इसमें आप 7 mm तक हाइस्ट कर सकते हैं और नीचे में जो स्टिच लेंथ है वो आप 5 तक ही कर सकते हैं। अभी स्टिच लेंथ के नीचे देखिए ये है कर्सर की, तो ये जब हम लोग नेम या नंबर कुछ लिखते हैं मोड चूज करके तो उस टाइम वो करेक्ट है या नहीं देखने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं। मोड की तो मोड में जो उसे ड्रीम कर 120 में आपको यहाँ पर जैसे मोड 1 यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मोड 1 जो है डिस्प्ले ही है, इसके लिए आपको मोड चूज करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मोड 1 लिखा होगा। और मोड 2 जो है यहाँ पर है, मोड 3 भी है, 4, 5, 6 तक है। तो ये सब पैटर्न को हम लोग को चूज करने के लिए मोड को यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। तो ए वाला जो है मोड की है, इसके बाद जो है एक डेयर की है। तो कहीं पर अगर आपको मोड करने के बाद जैसे पैटर्न में हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो उसको क्लियर करके और पैटर्न को हटा सकते हैं। उसके बाद जो है एक डिप की है, तो इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिए ये जैसे सीधा स्टिच है तो इसमें एक यहाँ पर शो नहीं करेगा और सेंस नहीं कर रहा है। और फ्लिप की यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि वो बस पैटर्न में कुछ ही पैटर्न में वो दिखाता है, जिसका वो मिरर इमेज क्रिएट कर सकता है उसमें ही वो दिखाएगा। उसके बाद जो है वो MEM दिखा है, तो ये मेमोरी है। तो हम लोग जब भी मोड में कुछ ज्यादा नंबर लिखते हैं, डेटर्स लिखते हैं, तो उसमें नाम लिखना होता है तो मेमोरी करके ही उसको करना पड़ता है। तो मैं वो आपको अभी करके दिखाऊंगी। जो भी है टच पैनल का बोलते हैं, तो इसमें 5 में जो है ट्रिपल स्टिच है, तो ये स्टिच बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसमें स्टिच लेंथ नहीं बढ़ेगा और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये 7 mm में होगा। तो जो भी हम लोग पैटर्न जब भी करते हैं अगर ऐसे कुछ होता है तो नीचे में जरूर हम लोग पेपर डालेंगे, तो उसका जो स्टिच रहेगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अभी मैं इधर से ही आपको करके दिखाती हूँ। अभी स्टार्ट करेंगे। इसमें आप जैसे थोड़ा मोटा थ्रेड आता है तो उसको भी यूज करके प्लेन ड्रेस हुआ या फिर पेंट में हुआ आप डिजाइन कर सकते हैं।
तो मैं मेरी बेटी का जो हॉट पैंट था उसमें मैं बनाई थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी और भी वीडियो डालूंगी कैसे आप उसमें कर सकते हो, तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा। अभी मोड टू में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न है, ये सब बटन होम का पैटर्न है, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मोड टू में अभी जो हम लोग और एक चूज करके देखेंगे, जैसे मोड में टू हो गया है, टू के बाद अभी यहाँ पर जो भी आप चूज करेंगे, अगर 11 चूज करते हैं या फिर 06, तो उसका कोड हम लोग को 06 चूज करना होगा, 06। फिर इसमें हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ये 3 तक ही आ रहा है, तो सभी में 7 mm तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी किसी में इनबिल्ट होता है, जितना उतना ही होगा। ये हो गया है, देखिए मोड टू का। ऐसे ही मोड थ्री में भी पैटर्न बनाएंगे अभी। मोड थ्री में मैं पैटर्न करके दिखाऊंगी जो आपका फ्लिप बटन है उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैं मोड थ्री का 64 चूज करूंगी। तो पहले मोड को चेंज करना है, मोड थ्री में हो गया है, अभी 64 करके इसको करना है। तो इसमें मेमोरी नहीं चाहिए, नंबर और डिटेल्स में वो नाम जब लिखते हैं तब जरूरत पड़ता है। अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, स्टिच लेंथ को 0.8 हो गया है, अभी शुरू करते हैं। अभी जो है मैं फ्लिप बटन का यूज करूंगी, फ्लिप बटन प्रेस की हूँ, अभी फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी आप देखिए ये उधर फ्लिप बटन है, उस टाइम में प्रेस नहीं की थी, नॉर्मल जो पैटर्न है फ्लिप बटन प्रेस के बाद ये हो गया उसका पैटर्न। अभी मैं आपको मोड फोर का दिखा देती हूँ। एक नंबर के साथ मैं एक नाम लिखूंगी, तो मैं इसमें चूज करूंगी 26, और मेरी बेटी का नाम सिया है, तो मैं 26 सिया लिखूंगी, तो इसमें आपको मेमोरी और क्लियर का पता चलेगा। सबसे पहले मोड को चेंज करना है, देखिए मैं यहां पर मेमोरी नहीं की हूं, तो इसीलिए और टू के बाद 6 नहीं दे रहा है, तो अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अभी 0 2 लिखना है, फिर मेमोरी करना है, 06 26 हो गया है, उसके बाद और एक बार मेमोरी करना है। मैं सीआर लिखूंगी, तो एस का जितना कोड होगा उस हिसाब से ही लिखते जाना है, फिर मेमोरी करना है। एक पूरा सिया नाम दिखा है, तो उसके बाद और एक बार मेमोरी करना है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप मेमोरी नहीं करते हैं तो ए जो है हट जाएगा, पीछे का जो भी रहेगा आपका हट जाएगा उस पर। अभी जो कर्सर की में हम लोग चेक कर सकते हैं और जो दिखे है वो सही है या नहीं, तो इसको हम लोग पीछे की तरफ देंगे। अभी देख सकते हैं 2, नेक्स्ट करेंगे 6, SIYA, और एक बार ले आएंगे तो ये करेक्ट है बिल्कुल। अभी हम लोग नीचे में दिखेंगे।
तो दिखने से पहले स्पीड कंट्रोलर को देख लीजिए, बिल्कुल स्लो में हो, स्पीड होने से वो नहीं होगा। और जैसे ही आपका कपड़े के नीचे पे ऐसे पेपर रहे, तो अभी मैं शुरू करती हूँ इसको। अभी इसको कट कर देते हैं। अच्छा ध्यान रहे, जैसे फुट नीचे रहेगा तभी जाके थ्रेड कटर जो है वो काम आएगा। अभी आप देख लीजिए 826 सीआर लिखा है। जैसे स्टिच विड्थ है वो बढ़ेगा और कैसे कम में कैसे पैटर्न बनेगा, तो मैं आपको मोड वन में दे रही हूँ। मोड वन में मैं 7 चूज करूंगी। इसका नॉर्मल जैसे 3.0 में है स्टिच विड्थ और 1.5 में इसका स्टिच लेंथ है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगी। अभी मैं यहाँ पर एक स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बिल्कुल उसके साइड में ही मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो अभी जो है मैं आपको स्टिच विड्थ जो है वो बिल्कुल 7 mm में हो रहा है या नहीं वो करके दिखाती हूँ। 7 में डालूंगी, 3.0 में है तो स्टिच लेंथ तो ऐसे ही रहने देते हैं, और नहीं तो इसको 5 तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी ये जो है ये इसका हाईएस्ट स्टिच विड्थ है, तो एम्ब्रॉयडरी जो भी होगा इतना ही 7 mm में आएगा। ये मैं मिडिल में रखी थी, इससे और भी छोटा कर सकते हैं। ए हो गया ट्रिपल स्टिच, तो ए वाला स्टिच अगर करते हैं तो कपड़ा जल्दी खुलता नहीं है उसका स्टिच, तो इसमें टाइम भी लगता है, तो ये मैं पैटर्न के लिए यूज करती हूँ। तो देखिए अभी मैं इसमें जो है आपको फुट पैटर्न का भी यूज करना दिखा देती हूँ। तो ये जो पिन है इसको मैं अभी इसमें लगाऊंगी, हो गया है। अभी देखिए मैं जैसे मतलब स्टिचिंग करने के टाइम पे अगर आप फुट पैटर्न का यूज करते हैं तो ऐसे ही पैर को रखिए। तो अभी मैं आपको मोड वन में ही एक स्टिच करके दिखाऊंगी जो नॉर्मल स्टिच होता है, तो इसका स्टिच लेंथ में बढ़ा दूंगी 3.5 में जो नॉर्मल स्टिच होता है। तो अभी देखिए मैं इसको प्रेस करूंगी। तो बहुत ही स्लो में है, इसको हम लोग स्पीड में भी थोड़ा कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही इसको पैर को मतलब छोड़ेंगे और स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं अभी आपको एक एम्ब्रॉयडरी भी करके इसमें दिखा देती हूँ। तो मैं इसमें देखिए मोड 3 में 62 करूंगी। अभी मोड में हम लोग चेंज करेंगे इसमें 62। फिर जो स्टिच देखिए उसका जो एम्ब्रॉयडरी का चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक इसमें 7 mm का है, और जो स्टिच लेंथ थी हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो ये भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 0.8 में ही हुआ है। तो अभी देखिए मैं इसमें आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो आप जितना प्रेस करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा अगर दबाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, फिर इसको जोर में मतलब प्रेस करेंगे तो वो ऐसे ही स्पीड में होगा। अभी देखिए मैं जैसे ही इसको बंद की मतलब पैर उठा दी तो ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो ये था फुट पैटर्न का डेमो। तो अभी आप देख भी सकते हैं इसमें, देखिए और ये देखिए बिना पेपर का है, तो इसमें देखिए कपड़ा सिकुड़ रहा था, और इसमें जो क्वालिटी है इसका बहुत ही अच्छा है।
तो चलिए, ये था उषा ड्रीम मेकर 120 का डेमो। मैं भी आपको उषा ड्रीम मेकर 120 का और भी बहुत सारा वीडियो डालने वाली हूँ, जो कि आप फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी कैसे कर सकते हैं, उसका जो फुट का 8 फुट दिया हुआ है इसमें से मैं, तो मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी। और बाकी इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आप कैसे घर में ही रिपेयर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू।